आज का रात्रि क्लास है 18/9/1964 कोई भूल करते हो तो बताए देना, नहीं तो बाबा ने कहा है भूल मल्टीप्लाई होती रहेगी अर्थात विकर्म बनती रहेंगी। फिर उन मल्टीप्लाई हुए विकर्मों की सजा भी खानी पड़ेगी। ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बहुत होती है। देवताओं को तो कोई रिस्पांसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों? ब्राह्मणों के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बहुत और देवताओं की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं और ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन में है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी प्रारब्ध बनेगी। तो बताया, देवताओं की भी कोई जिम्मेवारी नहीं और शूद्रों की भी कोई जिम्मेवारी नहीं। शूद्रों की जिम्मेवारी क्यों नहीं है? क्योंकि शूद्र तो कोई पुरुषार्थ पवित्रता का करते ही नहीं है। सारा बोझ है ब्राह्मणों के ऊपर, क्योंकि निमित्त बने हुए हैं मनुष्यों को झूठे से सच्चा बनाने के लिए। कौन से मनुष्यों को? क्या ब्राह्मण मनुष्य नहीं है? ब्राह्मण भी तो मनुष्य हैं, परंतु देवताओं से ऊंचे हैं या नीचे हैं? जो असली ब्राह्मण है, ब्रह्मा की औलाद, वो देवताओं से भी ऊंचे हैं। इसलिए कहा जाता है ना, सच्ची दिल पर साहब राजी। और फिर जो सच्चा होता है वो पद भी ऊंचा पाता है। तो सारा मदार किस बात पर आ जाता है? हैं? सारा मदार आ जाता है जो भूल करते हैं उस भूल को सच्चा सच्चा बताने के ऊपर। क्योंकि कलयुग में झूठे तो सब होते हैं, है झूठ खंड, झूठ युग। झूठ खंड में सच्चे कहां से आवेंगे? तो क्या देखा जाता है? सच्ची दिल पर साहब राजी।
ऐसी 100% सच्ची दिल वाला पद भी 100% ऊंचा पाता है। क्या है 100% ऊंचा पद? जिसका गीता में भी गायन है परम पद। कौन सा पद है? विष्णु पद। ब्रह्मासु विष्णु। सेवक का पद ऊंचा नहीं है क्या? है? वो तो कोई पद लेता ही नहीं। न ऊंच बनता है न नीच बनता है। तो पद के ऊपर गवर्नमेंट का मदार रहता है ना। आजकल तो देखते हो कि सारा मदार मिलिट्री के ऊपर बहुत रहता है। तो सबसे ऊंचा डिपार्टमेंट कौन सा हुआ? है मिलिट्री सबसे ऊंचा डिपार्टमेंट, और तुम हो रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री अगर चाहती है कि जो सिविलियंस हैं, प्रजा के बड़े बड़े वजीर प्रेसिडेंट, और वो बड़े बड़े वजीर प्रेसिडेंट ठीक से काम नहीं चलाते हैं, तो मिलिट्री क्या करती है? हैं? मिलिट्री सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मिलिट्री में क्या अंतर है? है? पाकिस्तान की मिलिट्री घड़ी घड़ी सत्ता अपने हाथ में लेती रहती है, और हिंदुस्तान की मिलिट्री कितने साल हो गए स्वतंत्रता प्राप्त हुए? है? सत्ता मिलिट्री के हाथ में आई? अभी तक भी नहीं आई। तो सुधार कैसे होगा? होगा या नहीं होगा? कैसे है? जो प्रजा वर्ग के बड़े बड़े वजीर प्रेसिडेंट हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं। उन्होंने गांठ बांध रखी है कि हम सुधरेंगे नहीं। तो हिंदुस्तान की मिलिट्री यंत्र में क्या काम करेगी? सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। हो तो तुम भी मिलिट्री। लेकिन तुम्हारे हाथ में अभी किसकी बाग है? बाग माने लगाम। तो बताओ तुम्हारे हाथ में किसकी लगाम है? है?
भारत की बाग है। यहाँ गीतों में भी कहते हैं ना, भारत का भी सारा मदार तुम बच्चों के ऊपर है। इसलिए तुम बच्चों को बहुत ही खबरदार रहना पड़ता है। फिर खबरदारी भी कौन सी खबरदारी रखनी है? बाप फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, जितना जितना याद करेंगे उतना तुम अच्छी ही सर्विस करेंगे, और बाप भी तुम्हारे से राजी होंगे। सर्विस से, योग से, याद से भी विकर्म विनाश होते रहेंगे ना। सिर के ऊपर विकर्म तो बहुत है ना, विकर्म अपने लिए है और पवित्र करने के लिए याद में रहना है। पवित्र रहना है और फिर पढ़ाई भी पढ़नी है। नष्टो मोहा भी होना है, यहाँ तक के सारी दुनिया को भूल जाना है। क्योंकि जानते हो कि देह से टूटने वाली सब चीजें टूट पड़ेंगी, कब से जानते हो है? ये बात कब से जानते हो कि अपनी देह और देह से जो भी चीजें हैं पांच तत्वों की बनी हुई, वो सब खलास हो जाएंगी? ये कब से जानते हो है? जब से बाबा आया तब से, उससे पहले से नहीं जानते थे? भक्ति मार्ग में बोला तो है तुलसीदास ने 500 साल पहले, गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई, गो मन इंद्रियां, गोचर मन ये इंद्रियां जहां जहां तक जाती है वो सब माया का रूप है। ये माया न रहेगी न माया का राज्य रहेगा। माया के प्रभाव में प्रकृति भी आ जाती है, तो ये प्रकृति के पांच तत्व भी नहीं रहेंगे, सब जीरो हो जाएगा। तो ये बात घड़ी घड़ी याद करनी है। वो जो कहा जाता है ना कि घड़ी घड़ी राम 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 कहते रहो, तो ये राम राम नहीं कहना है मुख का, हाथ में माला फेरने का, याद करना है। जैसे टिक टिक होती रहती है ना, ऐसे तुम्हारे भी अंदर याद रहनी है। मुख से कुछ नहीं कहना है, बाप को याद करना है। जितना बच्चे याद करेंगे इतने विकर्म भस्म होते रहेंगे, नहीं तो फिर भोगना भी है।
दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हैं तो दुनिया में, परंतु इस दुनिया से तुम एक न्यारी कौम हो। क्या इस दुनिया में कौन कौन सी कौमें हैं? अरे तुम किस कौम के हो? कौन कौन सी और मुख्य कौमें हैं इस दुनिया में? इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि ढेर की ढेर कौम हैं। लेकिन तुम उनसे न्यारे हो, क्योंकि ब्राह्मण कोई ऐसे नहीं होते कि जो आवे सो ब्राह्मण बन जावे है? बन जावेंगे है? क्यों? जो आवे सो ब्राह्मण क्यों नहीं बन सकता? है पक्का पक्का 100% ब्राह्मण क्यों नहीं बन सकता? है अच्छा 100% पक्के ब्राह्मण के नहीं कहेंगे? है हैं? अच्छा ब्रह्मा बाप को पहचानता है? जब बाप को पहचानता ही नहीं दादा लेखराज ब्रह्मा, तो श्रीमत पर चलेंगे? उन्हें श्रीमत का मालूम है? वो जानते हैं कि दुनिया में श्री श्री कौन है? प्रैक्टिकल में 108 की माला बनाने वाला जानते हैं? तो वो 100% ब्राह्मण की लिस्ट में नहीं आवेंगे है? जब पहचानेंगे तब आवेंगे। तो कितनी आत्माएं हैं जो 100% ब्राह्मण की लिस्ट में आ जाती हैं? है अच्छा 8 परम पद पाते हैं, विष्णु पद पाते हैं, कितने पाते हैं? हैं? जो ब्रह्मा सो विष्णु, तो कितने ब्रह्मा के सिर दिखाए गए? ज्यादा से ज्यादा 5 सिर दिखाए जाते हैं। तो वो आत्माओं को कहेंगे 100% पक्का ब्राह्मण। बाकी ऐसे नहीं कि जो आवे सो 100% पक्का ब्राह्मण विष्णु पद पा जावेगा। विष्णु कुल के बनेंगे लेकिन साक्षात विष्णु नहीं बनेंगे। फिर चाहे वो सन्यासी आवे, चाहे मुसलमान आवे, चाहे उनका खोजा आवे, पारसी आवे, वो भी तो ब्राह्मण तो बनेंगे, ब्रह्मा की औलाद बनेंगे या नहीं? लेकिन पक्के ब्राह्मण नहीं बनेंगे। तो ये तो होता नहीं है कि जो आवे सो पक्का ब्राह्मण बन जावे। क्यों? इसका कारण क्या?
पुरुषार्थ बेकार हो गया क्या? पुरुषार्थ कोई चीज ही नहीं है? कहेंगे हाँ कि कोई ब्रह्म वाक्य है, कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, इस जन्म में भला आकर के ब्राह्मण बन जावे, परंतु फिर भी वो अंत में वैश्यावृत्ति की ही तरफ चली जाएगी। जो आदि सो अंत, ये ड्रामा बना हुआ है। तो तुम्हारी विचित्र बातें हैं, इसलिए मनुष्य मुझते हैं कि क्या ये पारसी भी ब्रह्मा कुमार हैं? हैं? पारसी कौन है? हैं? पारसी शब्द कहां से निकला? पारसनाथ। उनकी खासियत क्या है? हैं? लोहा भी कनेक्शन में आवे तो क्या बन जावे? सोना बन जावे। वो पारसनाथ चैतन्य है या पारस पत्थर है? कोई कौन है? कहेंगे एक ही पारसनाथ है कि जो भी उनके संग के रंग में आता है वो पूरा उन्हीं के रंग में रंग जाता है। ये मिनिस्टर भी ब्रह्मा कुमार है, पूछा मिनिस्टर आते हैं या नहीं आते हैं? ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? कोई कोई आते हैं तो पूछा क्या ये भी ब्रह्मा कुमार हैं? ब्रह्मा कुमार कहलाने से ही उनके ऊपर कितनी नुक्ताचीनी होती है, परंतु आगे चल करके ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने वाले हैं। कौन? ऐसे क्यों कहा है? अरे वो अगर संगम युग में अंत में आकर के ब्रह्मा के बच्चे नहीं बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बनेंगे, ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, तो कलयुग के अंत में राजाई का सत्ता उनको कैसे मिल जावेगी? मिलेगी? तुम्हारा नाम मसुलोम मडलेरी था क्या? कौन सी मंडली? ओम मंडली। मंडली एक की होती है कि ग्रुप को मंडली कहते हैं? तो ये खास तीन की मंडली है। ब्रह्मा माने आ, विष्णु का ऊ और मां माने महेश का मां। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन की मंडली है। और कैसी मंडली है? हैं? इसकी खासियत क्या बताई? हैं?
अरे लोग कहते थे कि ये मंडली गई की गई और बाबा कहते थे ये मंडली तो अविनाशी मंडली है। संसार में इसका परचम इसका झंडा अंत तक लहराता रहेगा। तो अभी ओम मंडली का कोई झंडा लहरा रहा है हिंदुस्तान में है? तिरंगा झंडा लाल रंग है क्रांति का सूचक, खूनी क्रांति का आलाय देता है। वो हिंसा वाला खून नहीं, ये कौन सी खून? ये बेहद के संकल्पों का खून, सच्चे और झूठे का खून। सत संकल्प क्या है और झूठे संकल्प में रमण कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, उनका महावारी महाभारत गृह युद्ध हो जाएगा। तो ये तुम्हारा असुल नाम था ओम मंडली। पीछे विवेक कहता है कि ये तो ठीक है, ड्रामा अनुसार ओम मंडली भी थी। अभी ड्रामा अनुसार ये ब्रह्मा कुमारियां इसमें ओम मंडली के ही फॉलोअर्स हैं कि और भी घुस पड़े? अगर पहले ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होती तो पता नहीं क्या हो जाता। बहुत नुकसान हो जाता। तो जो तुम्हारा नाम पढ़ना था फिर अभी ये पढ़ा ब्रह्मा कुमार कुमारियां। मुसलमान भी कहे हम हैं ब्रह्मा कुमार, सिख भी कहे हम हैं ब्रह्मा कुमार, जो जो जिस धर्म में कन्वर्ट होते गए हैं वो सब वापस आते हैं। अठारह 964 की वाणी का दूसरा पेज आगे चल के सन्यासी भी आकर के कहेंगे हम भी ब्रह्मा कुमार, और ढेर के ढेर कहेंगे, थोड़े बहुत सन्यासी नहीं, और फिर भिन्न भिन्न जातियों में ऐसे कहेंगे। कौन सी भिन्न भिन्न जातियां हैं? जो भी दुनिया में धर्म संप्रदाय की जातियां हैं, जब तलक ब्राह्मण न बने ब्रह्मा कुमार कुमारियां न बने बाप से वर्षा नहीं ले सकेंगे है? मना जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वो सब बाप से वर्षा लेते हैं क्या है? अरे बाप का वर्षा क्या है? कितने जन्म का वर्षा है? हैं? 21 जन्मों का वर्षा है वेद के आत्माओं के बाप का वर्षा। और यहां तो बताया भिन्न भिन्न जातियों वाले सब आवेंगे, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनेंगे। ये
उनको 21 जन्म का वर्षा मिलेगा मिलेगा तो फिर कौन सा वर्षा मिलेगा राजयोग सीखेंगे या नहीं सीखेंगे है अरे राजा बनेंगे या नहीं बनेंगे अपनी अपनी जातियों में तो वो राजाई का वर्षा किससे मिलेगा है बाप से आत्माओं के बाप से तो आत्मिक वर्षा मिलता है 21 जन्मों का आत्मिक वर्षा 21 जन्मों का है अहिंसक वर्षा और जो जातियां इस दुनिया में राज्य करती हैं राजा बनती हैं उनको वो वर्षा किससे मिलता है है हाँ जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उससे वो वर्षा मिलता है वो धर्म पिताएं उन जातियों के आते हैं धर्म स्थापन करते हैं अलग अलग जातियां स्थापन होती हैं परंतु उनमें राजाई का वर्षा नहीं होता जब उन धर्मों की लाखों की तादाद में संख्या हो जावे तब कहीं राजाई शुरू होवे तो फिर कैसे राजाई शुरू होती है हैं हिंसा की राजाई शुरू होती है किससे मिलती है मनुष्य हिंसा करते हैं या आत्माओं का बाप हिंसा करना सिखाता है हैं मनुष्य ही हिंसा करते हैं और मनुष्यों का बाप वो भी हिंसा करता होगा या नहीं करता होगा हैं जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं है तो जरूर हिंसा करता होगा क्योंकि देहवान में रहता है तो देहधारियों के बाप से देह का हिंसक वर्षा राजाई का वर्षा भी मिलता है तो वो भी अलग अलग जातियों वाले आएंगे जरूर ना कहाँ आएंगे हैं ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने आएंगे ये भीष्म पितामह ये द्रोणाचार्य वगैरह वगैरह भीष्म पितामह जैसे सन्यासी भी आएंगे और द्रोणाचार्य जैसे विद्वान पंडिताचार्य भी आएंगे ये भी जरूर ब्राह्मणों का बाण लगा तो ब्राह्मण बन पड़ेंगे और क्या होगा तो ब्राह्मण बहुत बनने वाले हैं और ऐसे नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती से बनेंगे जैसे मुसलमानों ने मुसलमान बनाया मुसलमान बनो तो बनो नहीं बनो तो सर उड़ा देंगे ऐसी कोई जोर जबरदस्ती से मुसलमान नहीं बनेंगे बड़ी खुशी से पीछे चल करके बनेंगे परंतु ब्राह्मण बनना भी कोई मासी का घर नहीं है क्या कहा
है ब्राह्मणों को बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है क्योंकि ब्राह्मणों को ही देह सहित जो भी बंधन है ये सभी देह और देह के पदार्थ देह के संबंधियों के बंधन तोड़ने हैं फिर कोई भी हो भी क्योंकि जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो आने वाले बहुत हैं अभी कुछ थोड़ा डरते हैं और बच्चों में भी वो ताकत आती जाती है अभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई अभी आधा भी ताकत मुश्किल आई हुई है कब की बात है 64 में बोला सो भी आधे से भी जो कम ताकत आई है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है सबको आधा नहीं कहेंगे किनको पाई किनको बाहर है आना कहेंगे जैसे बाप की गत मत न्यारी वैसे तुम ब्राह्मणों की भी गत मत न्यारी समझते हैं सो तुमको बोलते हैं कि ये पता नहीं कौन है इनकी क्या रस्म रिवाज है ऐसी बातें न कभी सुनी न कोई से देखी कोई शास्त्रों में भी ऐसी बातें नहीं सुनी है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपन को सुदर्शन चक्रधारी कहलावे ये तो टाइटल है ही विष्णु का और ये तो देखो कहां विष्णु वो तो 16 कला संपूर्ण हुआ ना और तुम कहां यहां पति दुनिया के रहने वाले अपन को विष्णु कहलावे नहीं तो विष्णुपुरी तो हम कहते हैं विष्णुपुरी में चलना है बच्चों को वाया शिवपुरी और ये जो रावणपुरी है इनको भूलना है क्योंकि रहते तो है ना रावणपुरी में रावणपुरी में पुराना शरीर छोड़ना है और जाना है इसलिए हम आते हैं ये पुराना शरीर छोड़ने के लिए परंतु जब तक संपूर्ण न बने हैं तब तक शरीर नहीं छूटेगा फिर ये भी आस है जब तक संपूर्ण न बने हैं बाप से पूरा वर्षा लायक नहीं बने हैं और समय भी नहीं आया हुआ है तो तब तक शरीर ना छूटे तो अच्छा है क्योंकि ये जो शरीर है ये शरीर इस समय में बहुत अमूल्य है हम्म
नई दुनिया का नया शरीर मूल्यवान होगा क्या अभी की चकत्तियों वाला शरीर मूल्यवान है? है तन को ही कहते हैं ना ये अमूल्य है. मानस तन गुण ज्ञान निधाना वो तो हर जन्म में ऐसे समझ लेते हैं. लेकिन है कौन से मानुष तन की बात? मन की औलाद को मनुष्य कहा जाता है. तो मनन चिंतनम करने वाला मनु अर्थात ब्रह्मा वो कहाँ होता है? संगम युग में ही वास्तव में होता है. तो संगम युगी ब्राह्मण तन को ही कहते हैं अमूल्य. तो जब तन अमूल्य है तो तन में रहने वाला भी अमूल्य ठहरा. ये तुम्हारी जीवात्मा अमूल्य ठहरी. बरोबर तुम बच्चे ही गाए हुए हो कि इस दिल वाला मंदिर में वास्तव में एक शिव बाबा और फिर दूसरे तुम ब्राह्मण बैठे हो. नीचे ब्राह्मण बैठे हैं, ऊपर में देवताएं हैं. तुम सो देवता बनने वाले हो. नीचे ब्राह्मण और छत में देवताएं. क्यों? ऐसे क्यों? जबकि ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे होते हैं. तो देवताओं को ऊपर क्यों दिखाया है? क्योंकि ब्राह्मण ऊंचे तो होते हैं लेकिन कभी कभी माया नीचे गिराई देती है. उनका कोई ऊपर रहना सर्टेन नहीं है. मनुष्य तो समझते हैं कि बैकुंठ पधारा माने ऊपर गया. वास्तव में ये अंत समय की बात है कि अंतिम समय के पुरुषार्थ में जब जीवात्मा संपन्न स्टेज पाती है तो सदा काल के लिए ऊंची स्टेज में चली जाती है. अर्थात कौन सी स्टेज है? सदात्मिक स्टेज में चली जाती है. नीचे नहीं गिरेगी लंबे समय तक. ऊपर माना ऊंचे थे ऊंचे गए. ब्राह्मण से फिर जाकर के सतयुग के देवता बने. अभी संगम पर हो यानी बीच में हो. अभी जो बूढ़ी माताएं हैं उनकी भी बुद्धि में ये जरूर होगा कि अभी कभी अब ब्राह्मण हैं फिर सो देवता बनेंगे. अभी हम ईश्वर की गोद में आ गए हैं ब्रह्मा दलाल द्वारा. बिगर ब्रह्मा दलाल के गोद नहीं मिल सकती है. क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि ईश्वर तो है निराकार. कौन? ईश्वर नाम क्यों दिया है? ईश्वर माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ. जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ शासन करने वाली 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं या स्वयं भगवान है?
तो वो भगवान निराकार है, गोद कहां से मिलेगी बिगर ब्रह्मा की। तो ईश्वर की गोद सो ब्रह्मा द्वारा, बाद में हमको मिलेगी दैवी गोद, फिर बाद में तो सुखी ही सुख है। अरे अभी ईश्वर की गोद मिली है तो अभी क्यों नहीं है, बाद में क्यों? अरे कोई कारण है या नहीं है? है? अरे देवान है तब तो हमको ईश्वर ने उठाया है आत्माभिमानी बनाने के लिए। क्या निश्चय? निश्चय हाँ, बाबा पूछते हैं किसकी गोद में आए हो, तो कोई कहते हैं हम शिव बाबा की गोद में आए हैं तो पास, और जो कहते हैं हम ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं तो नीची स्टेज में है या ऊंची स्टेज में है। तो बाद में तो तुम सब ऊंची स्टेज में चले जाएंगे, क्योंकि बाद में तो सुखी ही सुख होगा, अभी तो अपनी स्मृति के आधार पर नीची स्टेज बन जाने के कारण दुख भी अनुभव करते हैं। पीछे तो बच्चे चलेंगे सुखधाम में, बाया शांति धाम। अठारह 964 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज, मनुष्यों के लिए तो वो दुखधाम है और हमारे लिए कल्याणकारी संगम धाम है। समझा? ये संगम धाम है, ये सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी नहीं जानते हैं। ठंडी के कारण रात को कोई वस्तु की दरकार हो, क्योंकि अभी तो ठंडी कम है पर थोड़ी है, अगर कुछ नहीं लाया हुआ है तो इनको ले करके दे देना। अरे ये अलौकिक बातें करते करते कहां अलौकिक में कूद पड़े है? अभी माना क्या है? 1964 में जो पुरुषार्थ चल रहा था उस पुरुषार्थ के अनुसार अभी तो कैलाश पर्वत की ठंडी नहीं है, क्योंकि कैलाश वासी अभी किसी ने पहचाना ही नहीं है, तो नीची स्टेज में है या ऊंची स्टेज में है? मैदान में सर्दी ज्यादा पड़ती है या कैलाश पर्वत पर ठंडी ज्यादा पड़ती है? ठंडी माना है? ऐसी स्थिति आ जाती है दुनिया की, संगी साथियों की, कि सबकी स्टेज घड़ी घड़ी कैसी होती रहती है? ठंडी होती रहती है। कोई की तो घरवाली घर में बैठी हुई है ठंडी स्टेज करने के लिए, कोई का घरवाला बैठा हुआ है ठंडी स्टेज करने के लिए, कोई के मोहल्ले पड़ोसी, और जो सरेंडर्ड ब्राह्मण है उन सरेंडर्ड ब्राह्मणों के परिवार में आपस में ही एक दूसरे का ठंडा पुरुषार्थ करने के लिए बैठे हुए हैं। बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? हैं? बैठे हुए हैं। तो बोला उस समय 1964 में बोला कि अभी तो ठंडी कम है
माने आगे आने वाले भविष्य के टाइम में बहुत ठंडी बढ़ती जाएगी। कितनी ठंडी बढ़ती जाएगी है बताया। ये त्रिमूर्ति का चित्र देखा है? इस त्रिमूर्ति के चित्र में जब ये चित्र बनाया गया था सबसे जास्ती ठंडी में कौन ठिठुर रहा है? ब्रह्मा ठिठुर रहा है, उसको तो कपड़े पड़े हुए, वो कैसे ठिठुरेगा? अब विष्णु को तो और ज्यादा पड़े हुए, सबसे ज्यादा ठंडी में कौन ठिठुर रहा है? शंकर ठिठुर रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म के पुरुषार्थ से ऐसे कपड़े अभी नहीं बने। कैसे हैं? हाँ, जो ठंडी बर्दाश्त कर सके। तो बोला अभी तो ठंडी कम है पर थोड़ी है, आगे चल के बहुत ठंडी पड़ेगी। तो आगे चल के इस बिचारे का क्या हाल होगा? किस बिचारे का? ये शंकर जो ठिठुरा हुआ बैठा है इसका क्या हाल होगा? नहीं, इसलिए कहा तुम बच्चों को ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का यथार्थ चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके पुरुषार्थ की दौड़ में कौन आगे जाएगा? हैं? ये शंकर आगे जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा तो चित्र बदल जाएगा कि यही रहेगा? हैं? बदल जाएगा। तो बोला अभी अगर कुछ नहीं लाया हुआ है तो इनको ले करके दे देना। जिनको ठंडी लग रही है घर से कंबल भी नहीं लाए हुए हैं, ज्यादा बल्कि तो बात छोड़ दो। है राजाई आजाई सब चट्ट हो गई कि कुछ रह गई है? है सबसे जास्ती राजाई किसकी चट्ट हुई? है अरे सबसे जास्ती राजाई भी किसको मिली हुई थी? जिसको सबसे जास्ती राजाई मिली हुई थी उसकी राजाई तो बिल्कुल ही चट्ट हो गई। बेचारा कुछ भी नहीं लाया अपने साथ, कंबल भी नहीं, और ये बेचारी दूध पीने वाली है। ये बेचारी दूध पीने वाली है और ज्ञान रतन देने वाली है। कौन है? ब्रह्मा ज्ञान दूध पीने वाली है। है ब्रह्मा तो कामधेनु है। अरे हाँ लक्ष्मी, ये दूध पीने वाली है और ज्ञान रतन देने वाली है। इससे जास्ती ज्ञान रतन कोई दे सकेगा? है किससे? लक्ष्मी से। देखो गौशाला भी बहुत मशहूर है। कौन सी शाला? गौशाला भी मशहूर है। और फिर यहाँ ही गौशाला तो मशहूर है ही, लेकिन फिर यहाँ ही कौन सी शाला मशहूर है? है अरे राम की सेना भूल गई, बंदर शाला भी मशहूर है। देर की देर बंदरियां बैठी हुई हैं। क्या कैसी बंदरियां हैं? बंदरियां नहीं देखी? देखी हैं? कोई ना देखी हो तो हाथ उठा दो। हाथ उठाया किसी ने? है माने कोई बंदरिया नहीं देखा भी नहीं? बंदर बंदरी जब एक साथ बैठे हुए हों
और बंदर बंदरी की पीठ पे हाथ रखे अब वो फट खड़ी हो जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। ऐसी बंदरियां भी यहां मशहूर हैं। क्या कैसी बंदरियां हैं? छू और हारा। क्या कहा? एक ड्राई फ्रूट होता है छुहारा, छुआ और हार गया। तो ऐसी बंदरियां भी हैं। ये रावण की बंदरशाला है। क्या? रावण की बंदरशाला है। राम की बंदरशाला सो भी कहते तो है। क्या? अरे राम की शाला का नाम है या कृष्ण की ही शाला का नाम है? कृष्ण की शाला को क्या कहते हैं? गौशाला। और गौशाला में कौन बताई है? ये दुदमुही बच्ची बैठी है। कौन है? लक्ष्मी, दूध पीने वाली है। ज्ञान रतन देने वाली है। भविष्य की बात बताई कि वर्तमान की बात बताई? मना ये दुदमुही बच्ची है, दूध पीने वाली है, भविष्य में दूध पिएगी और फिर ज्ञान रतन देगी। तो देखो कृष्ण की गौशाला मशहूर है। क्या? और राम की बंदरशाला, बंदरियां शाला मशहूर है। ऐसे कहेंगे ना? क्यों भाई ऐसे क्यों? राम का नाम इतना बदनाम क्यों कर दिया है? हाँ, कृष्ण का नाम इतना सरनाम क्यों कर दिया है? कृष्ण की गौशाला बताई दी और राम की बंदरशाला बताई दी, ऐसा ड्रामा में क्यों हो गया? कोई कारण होगा या नहीं होगा? क्या कारण है? राम बनाते हैं। सबसे बड़ा बंदर खुद नहीं होता है, है? इसका कारण कोई होगा या नहीं होगा? क्या इसका कारण ये है कि राम संगम युग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला है, जो सृष्टि का आदिकाल है, और उस आदिकाल में वो श्याम ते श्याम भी बनता है पहले, और फिर सुंदर ते सुंदर भी बनता है, जो आदि में सो अंत में। तो अंत में ये दशा हो गई है राम की शाला की, काम के आधार पर। क्या काम? अरे अभी तो काम बताया है। अरे बंदर बंदरियों का काम करते हैं कौन? राम की शाला वाले। हा कृष्ण बंदर बंदरियों का नाम नहीं है। क्या नाम है? गौशाला। सीधी सादी है, यक्ति कलमी बुद्धि है, सीधी सादी है। कृष्ण बच्चा बुद्धि संगम युग में
तो उनकी फॉलोअर्स भी बच्चा बुद्धि है।